हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ मैं खाने, क्योंकि अभी दवा खाना मुझे, तो खाली पेट तो खा नहीं सकती, इसीलिए अभी चल रही हूँ खाना खाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और बस रोटी सब्जी दही है आज खाने में। और चल रही हूँ अभी मैं कमरे में बैठ के खाऊंगी, और परी सो रही है, और परी के पापा कहीं अभी घूमने गए हैं, अभी घर पे वो है नहीं। तो देखिए परी अभी सो रही है, थोड़ा जल्दी सो जाती है ये, अपने नानी के घर जल्दी सो जाती थी ना, इसीलिए। और ये देखिए आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने, और ये है दूसरे दिन का वीडियो, जो कि मैं आई थी छत पे कपड़े डालने, और जो है ना ज़्यादा धूप रहते हैं तो ये कलर उड़ने लगते हैं कपड़ों का, तो इसीलिए थोड़ा लेट मैं पसार रही हूँ कपड़े। धुल तो कभी दी थी मैं, धुल के ऐसे ही रख दी थी, तो वैसे भी इसका पानी निकल गया है, और बस सूखना ही सूखना बाकी है। हाथों से भी धुल देती हूँ मैं, मशीन बहुत कम ही लगाती हूँ, क्योंकि मशीन में ना ज़्यादा कपड़े रहे हैं जब भी लगाना अच्छा लगता है। ये थोड़े थोड़े कपड़े तो हाथ से ही धुल देती हूँ, और धूप भी वैसे भी निकलती है, एक घंटे में तो आराम से सारे कपड़े जो है ना सूख जाते हैं। और ये दिखा रही थी मैं छत पे आप लोगों को, पीछे जो है ना दीवार चल गया हमारे, तो ये हमारे बगल वाले अपना जो है ना दीवार चलवा लिए हैं ये, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बच्चों का डर रहता था ना, बहुत ज़्यादा बच्चे उस छत पे जाते थे, मेरी परी भी जाती थी, और कभी उस पे कभी इस पे होना होता था, तो गिरने उड़ने का डर लगता था। लेकिन हमारा दीवार अभी चला नहीं था, इन्होंने ही अपना, इन लोगों ने अपना चलवा लिए, तो बहुत ही मतलब खुशी हुआ, और अच्छा हुआ। मैं तो मायके से आई, जब कपड़े डालने आई तो फिर देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोगों से ही बोल रही थी, लेकिन ना कुछ शोर हो रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी। और ये देखिए अभी आ गई हूँ मैं नीचे, तो जो भी ना सेप में कपड़े रखे हुए हैं, तो ये सारे कपड़े जो है ना रख रही हूँ मैं बेड में, क्योंकि गर्मी के गर्म कपड़े हैं, ठंड के तो गर्मी आ गया है, तो इन्हें तो पहनना है नहीं, वैसे भी सेप में कमी जगह रहता है, तो मेरे और परी के, इसके पापा के काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना भरे हुए हैं, और सेप भी जो है छोटा ही है, तो इसीलिए। और अभी बेडशीट जो है ना सही कर देती हूँ, सुबह निकाली थी ऐसे ही रखा हुआ था। और ये हैं दोपहर के बर्तन, जो कि दोपहर के बर्तन हैं, अभी खाई थी मैं, तो ये धुले नहीं हैं, तो इन्हें चल रही हूँ अभी धोऊंगी, क्योंकि शाम का भी खाने का जो है ना तैयारी जल्दी कर देती हूँ मैं अभी। और बस ये जो बर्तन है सारे, अभी थोड़े ही बर्तन, थोड़े थोड़े करते करते ना ज़्यादा हो जाते हैं, गिलास उलास तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि परी ना बार 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 गिलास ले लेके ये ख़राब करती रहती है, तो इन सभी बर्तनों को अभी मैं धूल दे रही हूँ, और वो घूम घूम के खेल रही है परी भी। और बस जो है ना तबीयत सा मेरा ख़राब हो रहा है, कर तबीयत नहीं ख़राब हो रहा, सिर में दर्द है, दोनों आँखों में और मथे पे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो दवा तो रात भी खाई थी, अभी फिर शाम को खाऊंगी। और ये देखिए आप लोग, सारा बर्तन है जो मेरा वो धुल गया है, और जो है ना ये मसालदानी हो रहा था ख़राब बिल्कुल ज़्यादा एकदम, देखिए इसमें मसाले भी थोड़े थोड़े बच रहे थे ना, तो मैं घर से आई थी तो इन्हें साफ नहीं की थी, क्योंकि जो है इसके सारे मसाले निकाल के मैं सोची थी, और उसके बाद ही जो है मैं इसे धुलूंगी, और बस थोड़े थोड़े रह गए थे, तो आज फाइनली इसे धुल देती हूँ। और थोड़ा सा कढ़ाई में गरम कर दी हूँ पानी, और बर्तन के साथ साथ ये भी सूख जाएगा, फिर इसे मसाले, मतलब इसमें जो भी मसाले रहते हैं ना वो सारे रख दूंगी। और इतने इसे गरम पानी करके ना धोइए ना, तो सही से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि ये रहता है गैस चूल्हे के ऊपर ही स्लिप पे रहता है, तो ये ना छींटे उठे जाते रहते हैं, तो चिपचिपापन रहता है इसमें तेल का, तो इसीलिए बिना गर्म पानी के साफ नहीं होता है। तो यहीं जो है इसे धुल दे रही हूँ मैं, और सर्फ़ डाल ली थी इसमें डिटर्जेंट पाउडर, तो बस अच्छे से ये साफ़ भी हो जाएगा, और अभी रख दूँगी इसे, जो कि सूख भी जाएंगे कमरे में, पंखा तो चल ही रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, साड़ी भी ली हूँ, तो अपना डेली वेयर वाला जो साड़ी है वो भी ली हूँ मैं, जो कि ना पता, मैं साड़ी मुझे बांधने नहीं आता है, लेकिन मेरा मन था तो मैं ले ली थी सिंपल सिंपल साड़ियाँ, दो दो साड़ी ले ली थी, और दो साड़ी तो मेरी दीदी दी थी, तो
वही मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और परी देख रही है कार्टून, और ये देखिए जो है ना सब्जी इसमें रखूंगी अभी टोकरी। कई दिनों से आया हुआ है आलू, लेकिन वैसे ही रख दी थी मैं टोकरी में, बस इसमें नहीं रख पा रही थी मैं, इसे साफ़ करना था तो इसके वजह से रख नहीं पा रही थी मैं, तो अभी इसे कर दे रही हूँ साफ़। जो कि इसमें ना पहले के आलू हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो इन आलूओं को मैं क्या कर रही हूँ जो है फिर फेंक दूंगी इसे। वो ख़राब हो गया है, काफ़ी दिन का था वो, ठंड का ही था आलू, वैसे ही रखा ही रह गया, मैं फेंक ही नहीं। और वो आलू जो थे ना ख़राब थे, सब्ज़ी उसके अच्छे नहीं होते थे, तो इसीलिए वैसे ही रखा ही रह गया था। तो इसीलिए अच्छे से इसे साफ़ कर दे रही हूँ, इसे धुलूँगी तो नहीं, ये लोहे का है तो फिर ये ना ख़राब हो जा रहा है धोने से, और वैसे भी ये ख़राब ही हो रहा है। अभी दूसरा लाऊँगी तो इस बार तो प्लास्टिक का लाऊँगी मैं, लोहे वाला इस तरह का नहीं लाऊँगी। और सारे आलूओं को जो है इसमें मैं आलू प्याज और लहसुन वो रख दूंगी, और ये दो तीन जो बर्तन है ना इन्हें मैं ऐसे ही ऊपर रख देती हूँ, ये हमेशा काम नहीं आते हैं मेरे, कभी कभी आते हैं तो ऐसे ही ऊपर रहते हैं, इसी में ऊपर रखे रहते हैं, जो कि जगह भी खाली रहता है तो वैसे ही रख देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए आप लोगों को यही साड़ी मैं बता रही थी, ये साड़ी का ब्लाउज निकाल रही हूँ मैं, जो कि ना अब सिल दूंगी तो पहनूंगी। और सिंपल सिंपल थी, मम्मी दी थी पैसे, बोली कपड़े खरीद लेना, तो मैं कपड़े खरीदी तो एक फ्रॉक सूट खरीदी थी और दो अपने लिए सिंपल साड़ी ले ली थी प्रिंट वाले, और परी का भी कपड़े ली थी। तो और जो साड़ी मैं पहनी हूँ और एक और साड़ी है, वो दो साड़ी जो है मेरी बहन दी थी सिस्टर, जब उसके यहाँ गई थी मैं, तो इस तरह से ना काट के मैं फाड़ देती हूँ सीधे, तो जो है ना बराबर से अपना निकल जाता है, गड़बड़ नहीं होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मेरा सूख गया था मसालदानी, तो अभी मैं जो है ना मसाले रख देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने जिठानी से बात भी कर रही हूँ, कुछ हमारी बातें भी चल रही थी, तो वहीं बैठी हुई हैं वो भी, और हमारा कुछ बात ही चल रहा था, और हम यहाँ पे खड़े खड़े मैं मसाले भी रख दे रही हूँ। और परी अभी खेलने लग गई है, मतलब उतना नहीं तंग कर रही है, आई थी ना तो दो दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान की थी, लेकिन उसके बाद अभी खेलने लग गई है बच्चों में। उसकी बहनें हैं ना जो उसकी बड़ी मम्मी की लड़कियाँ हैं, तो उन्हीं के साथ खेल लेती है, और बगल के भी आ जाती हैं एक दो लड़कियाँ, तो उनके साथ भी अभी ये खेल लेती है, अभी कम ही परेशान कर रही है। तो काम भी मेरे अच्छे से हो जाते हैं अब, वैसे भी तो मतलब इसका एडमिशन कराना है, देखिए कब करवाती हूँ, इसका एडमिशन भी हो जाएगा तो अपना स्कूल भी जाया करेगी, क्योंकि 2.5 साल की हो गई है वो, और फिर इधर एडमिशन तो होते हैं बाकी, फिर बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है, तो जुलाई में ही हो सकता, हाँ मुझे लग रहा है जुलाई में ही स्कूल खुलते हैं, तो फिर तब तक तो ये मतलब 3 साल के करीब हो जाएगी, तो इसीलिए इसका एडमिशन भी करा दूँगी। नहीं तो अभी से एडमिशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा ना, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छे से स्कूल जानते नहीं हैं वो, फिर आनाकानी करते हैं, जैसे मेरी जिठानी की बच्चियां ना तो ऐसे करती हैं, अभी उनका एडमिशन भी नहीं हुआ, तो उन्हीं के साथ में करवा दूंगी, साथ में चल जाए मतलब छोड़ आया करूँगी तो सही रहेगा, अभी से एडमिशन हो जाएगा इसका। तो बस आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए मसाले भी सारा रख दी हूँ मैं मसालदानी में, मसाले इसमें थे नहीं और साफ़ नहीं था, तो इसलिए मसाले रख भी नहीं रही थी, तो ये जो भी है ना ख़राब हो रहे थे, तो मसाले परेशानी भी हो रहे थे डालने में भी सब्जियों में, तो फिर ये मैं साफ़ करके रख दी हूँ। सारे मसाले एक ही जगह रहते हैं ना, तो सब्जी बनाते समय ज़्यादा वो भी नहीं लगता है, आराम से मसालदानी उठाओ और सारे मसाले डाल दो। और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, सारे काम जो है ना ख़त्म हो गए थे मेरे, तो थोड़ा सा सोची हूँ चलिए चाय बनाती हूँ, जो कि अभी 2 टाइम का चाय तो ज़रूर ही पीती हूँ मैं, जो कि सुबह और शाम की। अभी दिन में चाय पीना मेरा कम मतलब ख़त्म ही हो गया, नहीं तो ठंड के मौसम में तो कई बार चाय बन जाते थे, लेकिन अभी तो 2 ही बार बनेंगे बस सुबह और शाम, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो जी अभी जा रही हूँ मैं चाय पीने और रखती हूँ ठंडा होने के लिए। और ये देखिए आप लोग, परी तोड़ दी मेरे गले का जो मंगलसूत्र था छोटा सा, वो पहन रखी थी मैं, वो परी तोड़ दी है, तो ऐसे ही धग्गा डाल रखी मैं, और ला के उसे मैं जो है लेके आऊँगी, बृहस्पति के पैड में ही मिलता है उस तरह का, और या तो सुनार के दुकान पे मिलेगा, तो लेके आके पहनूंगी मैं। काफ़ी मतलब सूना सूना सा लग रहा है एकदम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी लाऊंगी पहनूंगी मैं, और अभी पी लेती हूँ चाय, आप लोग आइए पी लीजिए। और सिर मेरा तो शाम के अभी बज रहे हैं 6 और मैं चाय वाय पी रही थी तो पी ली हूँ। और ये देखिए आप लोग,
मैं भिगोई हूँ मेथी, जो कि इसका पेस्ट बनाऊंगी और इसमें और भी कुछ डाल के जो है मैं अपने सिर में पैक के तरह लगाऊंगी। तो मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में इसे दिखाऊंगी जो कि कैसे बनाऊंगी मैं। और अभी भिगोती हूँ मैं इसे, लगाऊंगी कल शाम को भिगोती, लेकिन जो है भूल जाती ना, तो इसीलिए अभी याद था तो अभी भिगोती हूँ मैं। अभी ये लगाने लगी हूँ, हफ्ते में दो बार तो लगा ही लेती हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, लेकिन आज के ब्लॉग में नहीं, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कल मैं शेयर करूँगी। तो चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और पसंद आए तो लाइक तो कर दिया करिए आप लोग। तो फिर मिलेंगे अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।